अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, मैं आप सब बच्चों को वेलकम करता हूं अपनी ई कैट और एन पी जी की क्लास के अंदर। आज कल के दिन हमारी ओरिएंटेशन हुई थी और थोड़ी सी आपको मेरे बारे में हाव ना हो गई थी कि मैं आपको मैथमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, रोज़ाना हमारी जो पहली क्लास हुआ करेगी वो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग की हुआ करेगी, और फिर एक क्लास मेरी आपके साथ लास्ट पर हुआ करेगी जो मैथमेटिक्स, जो आपका एफ एस सी का मैथमेटिक्स है उससे रिलेटेड आपकी क्लास हुआ करेगी। तो बेटा, आपने पहले तो देखना है जी हमारा गोल क्या है क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ने का। हमने इसके अंदर हमारी कोर्स कंटेंट क्या होंगे और ये किस किस यूनिवर्सिटीज के लिए जरूरी है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चलूं। बेटा, जो आपका एनटीएस टेस्ट है, जो आपका नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, जो आपका फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, वो तो अनफॉर्चुनेटली अब हो नहीं रहा। कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट, प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट, और आपकी जितनी भी प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूएमटी है, जैसे आपके पास यूसीपी है, गैरजन यूनिवर्सिटी है, इन सब में आपके पास एनटीएस टेस्ट होता है, बेसिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपके पास बेसिक मैथ आती है। बेसिकली जो क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल है ये बेसिक मैथ का एक पोर्शन है। तो आपने स्टूडेंट्स जितने आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एडमिशन कहीं इंजीनियरिंग के अंदर नहीं हो पाता है या गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता, तो सारे के सारे इस तरफ भागते हैं कि हम एनटीएस का टेस्ट दें, और जो हमारे पास ऑप्शंस बची हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स की नामवर यूनिवर्सिटीज है वहाँ पर हम एडमिशन ले सकें। तो बेटा, उस एडमिशन के लिए जो ये वाला कोर्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट कोर्स है। जो सा भी टेस्ट देंगे आपके पास 40-50 रेशो इसी सिलेबस में से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग में। अब हमारे क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे कंटेंट्स क्या होंगे, इस पूरे कोर्स के अंदर हमने कवर क्या करना है, हमें सारा कुछ ये पता होगा तो हम अच्छे तरीके से ये सिलेबस को साथ लेके चल सकेंगे। और आपको पता है इसकी कोई बुक नहीं है, इसका कोई कोर्स नहीं है, तो ये जर्नल हमने तैयारी करनी है। तो हमने कौन कौन से टॉपिक्स को लेके चलना है, तो सबसे पहले जरा मैं आपको उस टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको पूरी जो हमने सिलेबस पढ़ना है पूरा एक डेढ़ माह पढ़ना है, आपको आउटलाइंस आपके माइंड में हो कि हमने इन इन चीजों को कवर करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वांटिटेटिव मैथ है इसके अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव की तीन ब्रांचेस हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर आपने पढ़ना है अरिथमेटिक्स, अरिथमेटिक्स आपने पढ़ना है अलजबरा, और आपने इसके अंदर देखना है ज्योमेट्री। तीन चीजों को हमने क्वांटिटेटिव के अंदर पढ़ना है। एक आपके पास अरिथमेटिक्स है, अलजबरा है और ज्योमेट्री है। अब अरिथमेटिक्स में क्या क्या आता है, अरिथमेटिक्स में आपने नंबर्स को पढ़ना है, नंबर्स आपने इसके अंदर सेट्स को देखना है, उसके बाद आपने फ्रैक्शंस पढ़नी है, डेसिमल्स सीखना है, इसके अंदर डेसिमल्स क्या क्या हैं। अलजेब्रा के अंदर आपने बेटा रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो प्रोपोर्शन, उसके बाद आपने इसके अंदर देखना है बेटा परसेंटेज को हैंडल करना है, परसेंटेज क्या चीज है, परसेंटेज के बाद बेटा आपने इसके अंदर देखना है जी आपके पास एवरेज क्या है, एवरेज, उसके बाद बेटा इसके अंदर आपने देखना है एवरेज के साथ साथ आपने मीन मीडियन मोड, ये भी एवरेज ही है मगर यहां पे आता है मीडियन मीन मोड। अलजेब्रा के अंदर आपके पास रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एवरेज, मीन मीडियन मोड, और आपके पास बेटा इसके अंदर आ जाएगा बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलास, जो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टडी करते हो, a प्लस बी का होल क्यूब, आपके पास ये सारे बेसिक फार्मूलास इसके अंदर आ जाएंगे सारे के सारे। बेसिक फार्मूलास, ओके। ज्योमेट्री के अंदर बेटा आपने क्या स्टडी करना है, डिफरेंट बेसिक शेप्स को स्टडी करना है, मतलब आपके पास क्या है जी स्क्वायर, रिक्टेंगल, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, उसके बाद बेटा आपने इसको देखना है सर्कल क्या है,
ट्रेपीजियम, ये सारी बेसिक शेप्स को आपने हैंडल करना है। ये आपके पास बेटा क्या है जी, क्वांटिटेटिव, जिसके अंदर आपके पास तीन ब्रांचेस हैं, अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। अरिथमेटिक्स के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, नंबर्स के, सेट्स के, फ्रैक्शन के, डेसिमल्स के, और आपने देखना है कि फ्रैक्शंस वाली टर्म को आप ऐड कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे। और स्टूडेंट्स आपके पास अलजेब्रा के अंदर कुछ चीजें आएंगी, आपने बेसिक फार्मूलाज को देखना है कि जो आपके पास अलजेब्रा के बेसिक फार्मूलाज हैं जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते हो। उसके बाद बेटा रेशियो और प्रोपोर्शन देखनी है, परसेंटेज, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड को आपने हैंडल करना है। ज्योमेट्री के अंदर आपने देखना है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल, ट्रेपीजियम और भी जो बेसिक आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको हैंडल करना है। पैरेलल लाइंस ऐसे होते हैं आपके पास, परपेंडिकुलर लाइंस, ये चीजें भी आपने देखनी है। और बेटा एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिकल के अंदर जो आपने चीजों को हैंडल करना है, दो तरह की चीजें होंगी। एक आपके पास होगा लॉजिकल, लॉजिकल क्वेश्चंस, और दूसरा आपके पास होगा आईक्यू क्वेश्चंस, आईक्यू क्वेश्चंस। आपने एनालिटिकल के अंदर दो पोर्शंस को सॉल्व करना, एक आपके पास लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकली आपने आंसर्स किस तरह करने हैं, और दूसरा आगे पास आईक्यू लेवल, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा एनालिटिकल रीजनिंग्स के अंदर। अब बेटा ये आपके पास आउटलाइंस हैं जो मैंने आपके सामने सारी बनाई हैं, आउटलाइंस लिखी हैं। बेसिकली जितने भी आपके पास एनटीएस रिलेटेड टेस्ट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के टेस्ट हैं, इन्हीं आउटलाइंस को देख के बनते हैं। अब हमारे पास कोई कोर्स आउटलाइन नहीं है, हमें इनको वन बाय वन स्टडी करना है, ना ज्यादा स्टडी करना है ना इतना कम स्टडी करना है कि आपके जो एमसीक्यूज हैं वो हैंडल ना हो सके। सारी चीजों को हमने साथ लेके चलना है, इंशाल्लाह हम करेंगे, और जो चीज सीखेंगे उसके हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस के तौर पे किया करेंगे। ओके, तो ये सारी बेटा ये आपके पास कोर्स आउटलाइन। आज हम मैं स्टार्ट करूंगा अरिथमेटिक्स। हमारा तरीकाकार क्या होगा, हम 2 डेज पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव, उसके बाद 1 डे हम पढ़ेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। 2 डेज हमारा क्वांटिटेटिव हुआ करेगा, और उसके बाद तीसरा जो दिन होगा उसके अंदर हम एनालिटिकल को किया करेंगे। उसके बाद फिर 2 दिन क्वांटिटेटिव, 1 दिन एनालिटिकल, क्योंकि इसी लेक्चर के अंदर हमने दोनों पोर्शंस को साथ लेके चलना है, क्वांटिटेटिव को भी और एनालिटिकल को भी। जो तरीकाकार होगा, हमारा जो स्कीम ऑफ स्टडी होगी इस लेक्चर के अंदर, हम 2 दिन क्वांटिटेटिव को स्टडी किया करेंगे, 1 दिन एनालिटिकल पोर्शन को, फिर क्वांटिटेटिव, 2 दिन एनालिटिकल। मतलब वीक के अंदर 2 क्लासेस आपकी एनालिटिकल की हुआ करेंगी और 4 क्लासेस आपकी क्वांटिटेटिव की हुआ करेंगी। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वांटिटेटिव का पोर्शन अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे नंबर्स और सेट के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का लेक्चर। ये सारा ओवरव्यू था आपकी, सारा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया जो आपका सिलेबस था क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल का। अब नंबर्स और सेट्स को हम स्टार्ट करेंगे। बड़ा आसान है, जिन स्टूडेंट्स ने एफएससी की मैथमेटिक्स पढ़ी होती है उनके लिए तो ये बहुत आसान चीजें हैं, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। जो जनरल स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसके अंदर प्रॉब्लम आती है, मगर जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इसमें कोई इश्यू ज्यादा नहीं देखना पड़ता। अब आपके पास है नंबर सेट्स, नंबर सेट्स का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास इसके अंदर आता है जी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स बेटा आपके पास नंबर, जो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और इसके अंदर आपके पास 0 इंक्लूड होता है। आपके पास वो नंबर्स जो सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, और इसके अंदर 0 भी इंक्लूड हो जाए। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैसेज आ गया सर, फेसिंग क्वालिटी प्रॉब्लम। तो बेटा आप यहाँ पे अपनी वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर सकते हो, सेटिंग में जाकर 720 भी आ सकती है आपके पास, और 1080 क्वालिटी भी आप जा सकते हो। और साथ जिन बच्चों को स्क्रीन का इश्यू आ रहा है वो अपना एक बार पेज को रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश करने के साथ साथ
वो अपनी सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें। ओके, जो डीए स्टूडेंट है वहां बेटा उनको भी ये कोर्स बड़ा आसान लगेगा। ये बेसिक मैथ है, बिल्कुल बेसिक मैथ है जो आप 6, 7, 8 की क्लास में स्टडी करते हो। बस उन्हीं चीजों को हमने रिकॉल करना है इस लेक्चर के अंदर। चले बेटा, आपके पास इंटीजर्स मैंने आपको बताया, ऐसे नंबर्स जो आपके पास जिनके अंदर जीरो भी इंक्लूड हो और पॉजिटिव नंबर्स भी हो और आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हो, ये आपके पास क्या होते हैं जी? इंटीजर्स होते हैं। अब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स मतलब होल नंबर्स आपके पास हो। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, ये नंबर्स नहीं, 2.1, 2.2, 2.3, ये होल नंबर्स आपके पास नहीं होते हैं। होल नंबर्स ऐसे होल नंबर्स जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो और जीरो उनके अंदर इंक्लूड हो, इनको आप बोलते हो इंटीजर्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी ओड नंबर। ओड नंबर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड ना हो, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये बेटा सुनिएगा, ओड नंबर्स रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2। अब इसके अंदर आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। पहले तो इनकी एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11 और सोन। ये आपके पास ओड नंबर्स है, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं। अब एमसीक्यूज के लिए दो ऐसी बातें हैं जिनको बेटा सुनना बड़े जरूरी है। दो पॉइंट्स में लिख रहा हूं ओड नंबर्स के वाले से, द डिफरेंस बिटवीन 2 ओड नंबर इज 2। हर दो ओड नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा बेटा वो आपके पास क्या होगा? 2 होगा। हर दो ओड नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है आपके पास वो 2 होगा। अब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है आपके पास कि अगर आपके पास इफ एक्स इज ओड देन नेक्स्ट ओड नंबर इज एक्स प्लस 2। आपके पास अगर एक्स एक ओड नंबर है तो जो नेक्स्ट ओड नंबर आपके पास होगा बेटा वो क्या होगा? आपके पास एक्स प्लस 2। क्योंकि हमने कहा दो ओड नंबर्स का जब आप डिफरेंस लेते हो तो आपके पास क्या आता है? 2 आता है। आप चेक कर ले, आप 11 माइनस 9 करें तो आपके पास क्या आएगा बेटा? 11 माइनस 9 करें आपके पास क्या आता है जी? 2 आता है। इसी तरह आप 7 माइनस 9 कर लें तब भी आपके पास आंसर 2 आता है। अगर एक आपके पास ओड नंबर 2 है तो नेक्स्ट ओड नंबर आपके पास क्या आएगा? 2 प्लस 2। आपके पास एक अगर ओड नंबर एक्स है तो नेक्स्ट ओड नंबर आपके पास क्या आएगा बेटा? एक्स प्लस 2। ओके, तो ये बेटा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। जब स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चंस आपके पास आएंगी वो आपको कह रहे दो ओड नंबर है इनका सम ये है, तो आप लेट करोगे एक ओड नंबर आपके पास एक्स है तो सेकंड ओड नंबर आपके पास क्या होगा? एक्स प्लस 2 आएगा। ओके, इसके बाद बेटा आपके पास जो इंपॉर्टेंट है इवन नंबर्स आपके पास क्या है? ये पॉइंट अब मैं यहां पे स्टार लगा रहा हूं, ये पॉइंट आपके पास एमसीक्यू से लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आपने बोलना, जब भी आपने दोनों ओड नंबर्स लेट करने होंगे तो एक नंबर आपके पास एक्स है तो सेकंड नंबर आप कौन सा लेट करोगे? एक्स प्लस 2 लेट कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी इवन नंबर्स में क्या होगा आपके पास? एनी नंबर्स डिविजिबल बाय 2। एनी नंबर्स दैट डिविजिबल बाय 2
ऐसे नंबर्स जो टू पे डिवाइड होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी तरह ही आपके पास इवन नंबर्स की भी आपके पास दो प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर इज टू। आपके पास यहां पे भी डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस बिटवीन टू इवन नंबर टू, आपके पास जो डिफरेंस होगा टू इवन नंबर्स का वो भी आपके पास क्या होगा बेटा, टू होगा। जिस तरह आपके पास डिफरेंस बिटवीन ऑड नंबर्स भी आपके पास टू है, यहां पे डिफरेंस बिटवीन इवन नंबर्स भी आपके पास क्या होगा बेटा जी, टू ही आएगा। नेक्स्ट बेटा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। जैसे यहां पे हमने पॉइंट देखा स्टार के अंदर कि आपके पास अगर एक्स ऑड नंबर है तो उसके नेक्स्ट नंबर जो होगा वो क्या आपके पास होगा, एक्स प्लस टू होगा। इसी तरह बेटा यहां पे भी अगर आपके पास एक्स इवन नंबर है तो नेक्स्ट जो होगा आपके पास इवन नंबर एक्स प्लस टू होगा। इफ एक्स इज इवन नंबर, नेक्स्ट नंबर इज एक्स प्लस टू। अगर इससे नेक्स्ट मुझे लिखना हो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस फोर नंबर आपके पास आ जाएगा। दोनों बेटा बात सिमिलर, यहां पे भी आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स टू है, यहां पे भी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आपके पास टू है, यहां पे भी आपके पास अगर एक इवन नंबर एक्स ऑड नंबर एक्स है तो नेक्स्ट नंबर आपके पास एक्स प्लस टू होगा। यहां पे भी आपके पास अगर एक्स एक इवन नंबर है तो जो नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास एक्स प्लस टू होगा। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं आपके सामने इवन नंबर और ऑड नंबर की, जनरली मैं लिखूं तो बेटा आपके पास होता है इवन ऑड नंबर आपके पास होता है टू इंटू एन प्लस वन, टू इंटू एन प्लस वन। और अगर आपके पास यहां पे इवन नंबर जनरली लिखना हो तो वो आपके पास होता है बेटा जी टू एन। जनरली आपके पास ऑड नंबर होता है टू एन प्लस वन और इवन नंबर आपके पास होता है टू एन। अब सारी की सारी वैल्यू डिपेंड करेगी इस एक्स के ऊपर। एक्स अगर आपके पास टू का मल्टीपल होगा तो आपके पास वो इवन नंबर्स डेफिनेशन इवन नंबर्स हो जाएगा। अगर एक्स आपके पास टू इवन टू का मल्टीपल नहीं होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके पास, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद पे डिवाइड हो और वन पे डिवाइड हो। दोज नंबर्स, दोज नंबर्स डेट आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन। नंबर्स जो आप खुद पे डिवाइड हो और आपके पास वन पे डिवाइड हो वो आपके पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। और इसके पॉइंट्स में आपके पास आएगा 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड वन इज नॉट प्राइम। एक तो वन आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, दूसरा टू आपके पास ऐसा नंबर है जो इवन भी है और आपके पास प्राइम भी है। ओके, इवन नंबर की डेफिनेशन ऐसे नंबर्स जो खुद पे डिवाइड हो और वन पे डिवाइड हो, और दूसरा टू आपके पास ऐसा नंबर है जो आपके पास इवन भी है और प्राइम भी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। जब आप दो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज नॉट अ प्राइम। एग्जांपल के तौर पे देखें, आप
3 भी आपके पास प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट लें आपके पास 21 आएगा जो आपके पास प्राइम नहीं है। ओके उस्मान बेटा कह रहे हैं सर जी ये टीसीसी के लिए भी फायदा मंद होगा क्या? बेटा टीसीसी स्टैंड फोर जरा बताइएगा मुझे। बेटा दो प्राइम नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर प्राइम नंबर नहीं आता है। कोई भी दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो आंसर आपके पास प्राइम नहीं रहेगा। इसी तरह आप अगर दो प्राइम नंबर्स को ऐड करो तो आपके पास आंसर प्राइम भी आ सकता है और प्राइम नहीं भी आ सकता, मे और मे नोट की कंडीशन आपके पास आ जाएगी। जितने भी स्टूडेंट्स बेटा तो सुन रहे हैं मुझे बताएं ये आपको यहां तक क्लियर है? अगर आपको क्लियर तो मुझे बताएं ताकि मैं यहां से बोर्ड को रेज कर दूं। जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स के अंदर बताएं आप सबको यहां तक क्लियर है? जितने भी मैंने अभी तक चीजें डेफिनेशन आपको बताई हैं सब स्टूडेंट्स को क्लियर, इसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं जी? बेटा जितने भी आपके पास टेक्निकल कैंडिडेट कोर्स हैं, जितने भी आर्मी के टेस्ट हैं, ये वहां पे भी आपका फायदामंद हो सकते हैं। जितने भी आपके पास आर्मी से रिलेटेड आते हैं कैडेट कॉलेज के लिए जो आप एडमिशन देते हो कैडेट कॉलेज में पढ़ने के लिए, सारे के सारे वहां पे इसी तरह के आपके पास टेस्ट आते हैं। आईक्यू लेवल के क्वांटिटेटिव मैथ के बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के आपके वहां पे भी टेस्ट पूछे जाते हैं। बेसिकली जो ये कोर्स है ये कोई स्टूडेंट मिस ना करे, आप जितने भी जनरल टेस्ट देंगे उनके अंदर यहां इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके जितने भी आपके पास जर्नल टेस्ट हैं, चाहे आप पीपीएससी का टेस्ट ले लें, आप एनटीएस का टेस्ट ले लें, कोई आर्मी का टेस्ट ले लें, आपके पास यहां से तो क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। ये टेस्ट जो है टेस्ट के अंदर जो ये वाला पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा बेटा ये क्लास कोई मिस ना करे। इस पहली क्लास रखने का मकसद ये है कि सारे स्टूडेंट्स फ्रेश बैठे और इस क्लास को ले। ओके चले बेटा नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट प्राइम नंबर का। आपके पास अगर आप एडिशन ऑफ टू प्राइम नंबर्स में और मे नॉट बी प्राइम, आप दो प्राइम नंबर्स को ऐड करो तो उसका आंसर प्राइम भी हो सकता है और प्राइम नहीं भी हो सकता जी। वहां बेटा 21 प्राइम नहीं है क्योंकि 21 पे भी डिवाइड होता है, 1 पे भी होता है, और उसके अलावा 3 पे भी होता है और 7 पे भी होता है, इसलिए 21 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। ओके नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। हम प्राइम नंबर्स के बाद मूव करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज के ऊपर। बेटा कुछ मुझे ये डेफिनेशंस बताने दें उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज का टच लाजमी दूंगा। जैसे कि कल मैं ओरिएंटेशन में भी कहा था जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास के अंदर आपको एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके चले बेटा नेक्स्ट आपके पास है जी एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है आपके पास, मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं। आपके पास अगर -11 है और 11 है, दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास होगी बेटा वो 11 ही आएगी, -11 भी आपके पास 11 ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू, आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू दे दे और कह दे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ तो वो बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। आपके पास ये दो मोड ब्रैकेट्स आ जाएगी, इन दो ब्रैकेट्स का मकसद होता है कि आपके पास अगर नेगेटिव नंबर भी है तो उसको भी पॉजिटिव कर दूं। ओके एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू कह दें आपके पास क्या होता है जी मैक्सिमम वैल्यू। अगर आपसे कोई पूछे जी ये 11 है, 11 -11 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो बेटा वो आपके पास क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू 11 होगी, और इसी तरह मिनिमम वैल्यू बताओ तो वो आपके पास 11 ही आ जाएगी। ओके ये चीज सुनिएगा, अगर आपके पास कोई ए गिवन हो और आपको कहते जी इस ए की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो बेटा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव होती है इसकी ये आ जाएगी, और ये कहते जी इस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू बताओ तो वो आपके पास -A आ जाएगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है,
किसी नंबर की, किसी फंक्शन की या कोई स्टेटमेंट गिवन हो और आपको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है बेटा आपके पास, उसकी पॉजिटिव वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है उसी नंबर के साथ अगर आप माइनस लगा दें तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है। चलिए बेटा, अब दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम एमसीक्यूज करते हुए उसको मिस करते हैं। एक होता है आपके पास यूनिट प्लेस और एक आपके पास होता है यूनिट नंबर। आपके पास बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है आपके पास यूनिट प्लेस, नंबर के अंदर नंबर प्लेस क्या है, चले नंबर प्लेस या फिर आपको होता है यूनिट प्लेस। आपके पास बेटा एक नंबर लिखा हुआ है 2, 4, 5, 6, 7, 8, वो कहता जी 4 का आपके पास नंबर प्लेस क्या है, 4 का आपके पास नंबर ऑफ प्लेस क्या है इस नंबर के अंदर। बेटा एक मिनट है, जरा मैं वॉइस जो इशू आ रहा है उसको देख लूं। चले अब आपको इशू नहीं आ रहा होगा, वो पंखे की वॉइस आपके पास आ रही थी, वो पंखा मैंने थोड़ा पीछे कर दिया है। चले अब देखें, नंबर प्लेस और यूनिट प्लेस ये दो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास कोई लिखा हो जी ये नंबर है 2, 4, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन ने पूछ ले 4 की प्लेस क्या है, 4 की जो नंबर प्लेस है वो क्या है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा जी 1, 2, 3, 4, 5, जो 4 है इस नंबर के अंदर पांचवें नंबर पे लिखा हुआ है। अगर वो आपसे पूछे यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस, तो वो आपके पास होगा बेटा यूनिट, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो आपके पास वो है 10,000, 1, 2, 3, 4 यूनिट 10, 100, 1000, आपकी 4 की जो यूनिट प्लेस है वो 4000 है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, अगर मेरे पास बेटा कोई नंबर लिखा गया है यूनिट प्लेस और यूनिट नंबर को देखते हैं, अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ जी 5, 6, 7, 8, 9, 0, कहते हैं जी आप बताओ 7 की आपके पास नंबर प्लेस क्या है और 7 का यूनिट प्लेस क्या है। नंबर प्लेस होगा आप काउंटिंग कर लोगे 7, देखें 1, 2, 3, 4, 7 का जो नंबर प्लेस है वो 4 है। यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट 10, 100, 1000, वो आपके पास आ जाएगा जी बेटा 7000, 7 का जो यूनिट प्लेस है वो 7000 होगा और जो आपके पास यूनिट नंबर है वो क्या होगा बेटा 4 होगा। ये बेटा बात समझ आई है आपको, नहीं बेटा? जब भी साथ बेटा आप नंबर्स को काउंट करते हो आप राइट टू लेफ्ट आते हो, लेफ्ट टू राइट नहीं जाते, आप राइट टू लेफ्ट आते हो। जब भी आप किसी नंबर को काउंट करते हो आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, लेफ्ट टू राइट नहीं आते हो। तो मुझे बताएं आप सब बच्चों को ये नंबर प्लेस और यूनिट प्लेस समझ आ गया है कि नंबर प्लेस क्या है और यूनिट प्लेस क्या है। अब आपसे ये पूछ ले कि आपके पास ये नंबर गिवन है मुझे 8 की यूनिट प्लेस बताओ, तो आप खाली ये नहीं लिखोगे 1, 2, 3, आप लिखोगे 800। 8 की जो यूनिट प्लेस होगी बेटा वो क्या होगी आपके पास 800 होगी। अगर वो आपके पास नंबर प्लेस पूछ ले तो तब आपके पास 8 की नंबर प्लेस क्या होगी बेटा आपके पास 3 आ जाएगी। ओके, अब यूनिट प्लेस और नंबर प्लेस आप सब बच्चों को क्लियर हुआ है कि यूनिट प्लेस क्या है और नंबर प्लेस क्या है। आप मुख्तलिफ टेस्ट उठाएं, आपको यूनिट प्लेस और नंबर प्लेस पूछ लेता है, हमें यूनिट प्लेस का अंदाजा नहीं होता है यूनिट प्लेस का मतलब क्या है। जितने आपने यूनिट 10, 100, 1000 जाए तो हमने वो पूरे 0, 60 डालने होते हैं। ओके, चले बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेसिक चीजें ये आपको आती हैं मगर इस कोर्स का हिस्सा है तो हमें ये चीज पढ़नी होगी। सब्ट्रैक्शन और एडिशन, आप दो नंबर्स को किस तरह करते हो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए बेटा आप साइंस को देखते हो। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन के अंदर सेम साइन हो
आपके पास नंबर्स नंबर्स हैव सेम साइन, तो आपके पास दो नंबर्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे, नंबर्स विल बी नंबर्स विल बी ऐड विद सेम साइन. आपके पास बिलफर्ज बेटा है जी 6 + 6 + 7, आप ये दो नंबर्स को ऐड कर दोगे आपके पास 13 आ जाएगा और सेम साइन 7 आ जाएगा. अगर आपके पास हो जी -6 - 7, आपके पास 13 आ जाएगा और साइन आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा. जब आपके पास दो सेम साइन वाले नंबर ऐड या माइनस हो रहे होंगे, जब दो नंबर सेम साइन के साथ होंगे आप नंबर्स को ऐड कर दोगे और वो सेम साइन आपके नंबर के साथ आ जाएगा. इसी तरह आपके पास जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट साइन में हो तो दो नंबर्स माइनस हो जाएंगे और बड़ी वाली वैल्यू का साइन साथ आ जाएगा. व्हेन नंबर्स हैव डिफरेंट साइंस will be subtract with greater value sign. जब आपके पास दो numbers का different sign हो, for example -7 + 3 हो, तो आपके पास दो numbers minus होंगे, 7 - 3 करें आपके पास 4 आएगा और बड़ी वाली वैल्यू का साइन आपके पास आ जाएगा -4. ओके, जब आपके पास बेटा दो नंबर्स ऐड या माइनस हो रहे हो, उन दोनों का साइन सेम हो तो वो सेम साइन के साथ ऐड हो जाएगा, और अगर आपके पास डिफरेंट साइन हो तो दोनों वैल्यूज माइनस होंगी और साइन आपके पास जो बड़ी वाली वैल्यू होगा वो आ जाएगा. अगर इसी तरह मैं इसको लिखूं, आपके पास होता है 7 - 3, तो आपके पास आंसर 4 ही आता, मगर बड़ी वाली वैल्यू का साइन प्लस है तो यहां भी क्या आ जाता, आपके पास प्लस आ जाता. इसी तरह बेटा आपके पास प्रोडक्ट है कि आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हो, तो मल्टीप्लाई का तो आपके पास टेबल आराम से बन जाता है. मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आप नंबर्स को अप्लाई कैसे करते हो, नंबर्स हैव सेम साइन, आपके पास नंबर्स हैव सेम साइन, द प्रोडक्ट, थोड़ा इसकी मैं प्रॉपर स्टेटमेंट देखता हूं. आपके पास नंबर्स हैव सेम साइन, द प्रोडक्ट will be positive. जब numbers आपके पास same sign के हों तो आपके पास product क्या होता है बेटा, positive होता है. अगर numbers के आपके पास numbers have different sign, product will be negative. आपके पास उनकी प्रोडक्ट क्या आती है बेटा, नेगेटिव आ जाती है. जब नंबर्स आपके पास सेम साइन के प्रोडक्ट हो रहे हो तो आपके पास प्रोडक्ट पॉजिटिव होती है, अगर डिफरेंट साइन की आपके पास हो तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है. अब बेटा मैं दो चार आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा. एमसीक्यूज गालबन थोड़ा सा हटके होंगे जो चीज हमने पढ़ी उनसे, मगर बेटा इंपॉर्टेंट है, आपने एमसीक्यूज को लाजमी पढ़ना है. आपके पास बेटा आ जाए जी √2 MCQs number 1. MCQs बेटा आपके पास है √2 will be ऑप्शन ए, आपके पास रैशनल नंबर, ऑप्शन बी आपके पास इरेशनल, ऑप्शन सी आपके पास बेटा है होल नंबर, और ऑप्शन डी आपके पास है इंटीजर.
अब यहां से बेटा मैंने आपको इरेशनल की डेफिनेशन सिखानी है कि अंडर रूट टू जो होता है वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, होल है या इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स तो आपको पता है ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, कोई अंडर रूट का जिक्र नहीं है, कोई पी ओवर क्यू का जिक्र नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती आपके पास। होल नंबर्स की भी ये कंडीशन नहीं हो सकती। अब रैशनल और इरेशनल हो सकता है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख लो और q नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। इसी तरह आपके पास इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो पर अंडर रूट के अंदर नंबर आ जाए जिसको हम सिंप्लीफाई ना कर सके। अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास नंबर जो है वो प्राइम हो तो आपके पास जो नंबर होता है बेटा वो इरेशनल होता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन, अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर आ जाए तो वो नंबर आपके पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास प्राइम नंबर आ जाए तो वो जो आपके पास नंबर होता है वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा ना कोई नंबर आ जाए जिसका होल स्क्वायर हो तो वो आपके पास नंबर रैशनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी आपके पास वो नंबर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी मल्टीप्लीकेशन के बाद डिवीजन आ जाती है। डिवीजन के भी यही आपके पास दो पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास सेम साइन वाले दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो आंसर आपके पास पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास डिफरेंट साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर आपके पास क्या होता है बेटा जी, नेगेटिव आंसर आपके पास आ जाता है। ओके, अगर आपके पास डिवीजन के अंदर बेटा यही दो आपके पास बातें हैं, आपके पास क्या है, अगर नंबर आप सेम साइन पर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपके पास डिवीजन का आंसर पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास डिफरेंट साइन वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर आपके पास क्या आता है, नेगेटिव आता है। ओके, अंडर रूट सिक्स जी बेटा, अंडर रूट सिक्स आपके पास साथ बेटा एक इरेशनल नंबर है। अब यहां पे साथ बेटा जो आप अंडर रूट सिक्स पूछना चाह रहे हो बेसिकली ये आपका जो प्योर एफएससी का मैथ है उसमें बात चले जाती है, यहां पे आपके पास एमसीक्यूज नहीं आएगा क्योंकि आपको पता है रैशनल नंबर की आगे टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, ये बात उसके अंदर आ जाती है, मगर यहां पे आपके पास एमसीक्यूज नहीं आएगा। ये बेसिक मैथ है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। अंडर रूट सिक्स को अगर हम वहां पढ़ना चाहें तो हम इसको अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जब हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर वन करेंगे तो अंडर रूट सिक्स में आपको वहां पे बेहतर तरीके से बता सकूंगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसलिए बेटा यहां पर अंडर रूट सिक्स की बहस ना करें। सिंपल आपने ये दो चीज याद रखनी है कि अगर अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इरेशनल होगा, अगर अंडर रूट के अंदर आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जो होल स्क्वायर हो बनता हो तो वो आपके पास या प्राइम होगा या आपके पास रैशनल हो जाएगा या होल नंबर या इंटीजर। ओके साथ बेटा, होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप किस तरह फाइंड करते हो, सिंपल बात, बड़ी बेसिक बात है ये कि स्क्वायर रूट आप किस तरह फाइंड करते हैं, फाइंडिंग स्क्वायर रूट। आपके पास बेटा लिखा हुआ जी अंडर रूट फोर, तो आप क्या करते हो इसके प्रोडक्ट बनाते हो, टू मल्टीप्लाई बाय टू, अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल होता है आपके पास आंसर क्या आ जाता है, टू आता है। स्क्वायर रूट की बेसिकल वैल्यू आपके पास क्या होती है, वन बाय टू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हो जी एक्स का स्क्वायर तो इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर पावर वन बाय टू, टू टू से कैंसिल इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर उसके आप बनाते हो जी बेटा फैक्टर्स, फैक्टर्स बनाने के बाद आप उसको पावर की स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हो, स्क्वायर से आप वन बाय टू कैंसिल करते हो तो आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है। अब जो बेटा नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है और
रिलेटेड एमसीक्यू पेपर में आता है और आप सारे स्टूडेंट्स उस एमसीक्यू को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, आपके माइंड में होता है कि मैंने बिल्कुल दुरुस्त एमसीक्यू आपने हैंडल किया है, मगर आप बिल्कुल रॉन्ग चल रहे होते हो। आपके पास है जी विच ऑपरेशन फर्स्ट, आप जब एमसीक्यू को सोल्व करोगे तो सबसे पहले विच ऑपरेशन फर्स्ट, आप कौन से ऑपरेशन को पहले सॉल्व करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। मैं आपको एक सेंटेंस भी लिखवा रहा हूं आपके पास, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट, याद रख लेंगे प्लीज से बेटा आपके पास है पैरेंथेसिस, ई के एक्सक्यूज से आपके पास है एक्सपोनेंट, माय के एम से बेटा है आपके पास मल्टीप्लाई, डियर के डी से आपके पास है डिवीजन, एंड के ए से आपके पास और सलमा के एस से आपके पास है सब्ट्रैक्शन। जब भी आप उसको सॉल्व करोगे आपके पास ये होगा बेटा प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सलमा, इस सेंटेंस को याद रखेंगे और इस सेंटेंस के मुताबिक आप उस चीजों को सॉल्व करोगे। इसके पीछे आपके पास है पैरेंथेसिस, मतलब स्मॉल ब्रैकेट ये वाली, से बेटा आपके पास क्यू से ई से है एक्सपोनेंट, आप पावर्स को सॉल्व करोगे, माय के एम से आपके पास है मल्टीप्लाई, आप उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, डियर के डी से आपके पास है डिवीजन, आंट के ए से आपके पास है एडिशन, सलमा के एस से आपके पास है सब्ट्रैक्शन। जब भी आप किसी चीज को सॉल्व करोगे, किसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, किसी नंबर को, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो आप इस रूल को फॉलो करोगे, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सलमा, प्लीज के पी से पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स, एक्सक्यूज के ई से एक्सपोनेंट, माय के एम से मल्टीप्लाई, डियर के डी से डिवीजन, आंट के ए से एडिशन और सलमा के एस से आपके पास क्या होगा सब्ट्रैक्शन। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताए आपको ये चीज समझ आ गई है कि जब आपने किसी चीज को सॉल्व करना है कि इस रूल को फॉलो करना है, इस तरतीब को आपने देखना है। ओके जी बेटा, मैम ने भी चेक किया है, यहां भी कोई इशू नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से आपका जो नेट है वो स्लो आ रहा है जिसकी वजह से आपको वॉइस का इशू देखना पड़ रहा है। जी साथ बेटा डिमास रूल बिल्कुल ठीक होता है, मगर आपने जब एनटीएस के टेस्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप इस रूल से सॉल्व करोगे, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सलमा। डिमास रूल के अंदर बस ये फर्क आ रहा है कि डिवीजन पहले है मल्टीप्लाई बाद में है, मगर नहीं, आपने डिवीजन पहले मल्टीप्लाई पहले करना है और डिवीजन बाद में करना है। ओके, डिमास रूल बिल्कुल सही नहीं है, जब भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सलमा के थ्रू ही सॉल्व करना है। डिमास रूल जो है वो 3, 4, 5 क्लास में ही चलता है, यहां पर यह रूल नहीं चलेगा। ओके चलें बेटा नेक्स्ट, यहां से इस यहां तक हम चीजों को रोकते हैं, मैं 2-3 एमसीक्यूज आपको करवाता हूं कि किस तरह के एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आ सकते हैं, बड़े आसान एमसीक्यूज हैं और मैं आपको इसकी वर्कशीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरी गूगल ड्राइव से कैंपस ड्राइव से इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी देख सकोगे। आपके पास बेटा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज में आ जाएगा जी 8, 16 माइनस
288 डिवाइडेड बाय 624 इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए आपके पास है 22, ऑप्शन बी आपके पास है बेटा 828 और ऑप्शन सी आपके पास है 528 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है जी 804। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। जल्दी से मुझे बताएं इसका बेटा आंसर क्या आता है। आपने इस रूल को फॉलो करना है, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंट सलमा। तो इस रूल को देखकर सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करनी होगी। जल्दी से मुझे बताएं बेटा इसका आंसर क्या आता है आपके पास। हरी अप, जल्दी कीजिएगा बेटा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे सोल्व करके बताएं इस रूल के मुताबिक। साद मोहम्मद वहाब जो बेटा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उस्मान बेटा भी मुझे साथ साथ मेरे चल रहा है, मोहम्मद बेटे के भी कमेंट साथ साथ आ रहे हैं। बेटा मुझे बताएं यहां पे इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे, आपने इस रूल को फॉलो करना है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में मोस्टली 3 से 4 हर टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, आपके पास इस तरह का रिलेशन होता है और आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। नहीं वहां बेटा आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ए आंसर आपके पास बिल्कुल नहीं आ सकता। किसी स्टूडेंट को नहीं आता बेटा ये, चले मैं करके देखता हूं। आपके पास 288 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, 212 2144, 26 7 और 2, 2 3 और 3 6 1 कैरी 6, आपके पास आ जाएगा 3 1 3 और 3 2 6, आपके पास आ गया 8 16 -12, आपके पास आ जाएगा बेटा 8 804। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहले आप डिवाइड करोगे, देन आप उसको माइनस करोगे। ओके, इस रूल को बेटा आपने सामने रख के चीजों को चलना है। इसके बाद आपके पास एक एमसीक्यूज और करते हैं। आपके पास है जी बेटा 20, कहता है जी क्वेश्चन में चेंज 27/7 टू अ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर ऑप्शन ए आपके पास जो अल्फा है 6 1/3, बीटा ऑप्शन आपके पास है 7 1/2, चार्ली ऑप्शन आपके पास है 3 6/7, डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 2 1/7। हमने इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने इस होल नंबर की फॉर्म में लिखना है। सिंपल आपको डिवाइड करना पड़ेगा 27/7, आपके पास आएगा जी 7 3 21 6। आप इसको किस तरह लिखेंगे, आप बेटा इसको किस तरह लिखोगे जरा ये मुझे बताओ। आपके पास क्या आएगा, 3 जो रिमाइंडर होता है बेटा, वो जो आंसर जिससे आप डिवाइड करते हो वो साइड भी आता है, 6 ऊपर और 7 नीचे, रिमाइंडर आपके पास ऊपर, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो वो नीचे आता है, और जो जिससे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हो इसको आप साइड पे लिख देते हो। तो चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आपके पास इसको लिखोगे नीचे, इसको ऊपर, और होल नंबर में आपके पास 3 आ जाएगा। ओके, इसको मिक्स्ड फॉर्म में ला बेटा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। अफान बेटा पूछ रहा है पैरेंथेसिस मींस क्या होगा। पैरेंथेसिस मींस बेटा आपके पास होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, इसको आप पैरेंथेसिस बोलते हो। अगर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपके पास, मैं लिखाता हूं एक एमसीक्यूज और करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे और प्रैक्टिस बेटा मैंने आपको कहा है कि आपको मेरी कैंपस ड्राइव से मिल जाएंगे। आपके पास है बेटा जी एमसीक्यूज नंबर, देखें जी आपके पास है 44 × 3 डिवाइड प्लस है प्लस 128 + 20 डिवाइडेड बाय 98.5 - 97.4, अल्फा ऑप्शन आपके पास है 380, बीटा ऑप्शन आपके पास है 10, चार्ली ऑप्शन 76.12 और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है बेटा 100। अब आप
पहले करोगे पैरेंथेसिस प्लेस ब्रैकेट को सोल्व करोगे, थ्री फोर दा आपके पास आएगा 12, वन करी थ्री फोर दा 12 और वन 132 प्लस 128 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 98.5 माइनस 97.4। अब आप ये ना कि सर ने भी कहा था पहले डिवाइड करना उसके बाद ऐड और माइनस करना है, तो आप पहले इसको डिवाइड करने बैठ जाओ, ऊपर वाली वैल्यूज को उसी रूल से पहले ऊपर सिंप्लीफाई करना है, फिर नीचे वाली वैल्यूज को उसी रूल से नीचे से सॉल्व, उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे। आप जरा ऐड करो, आपके पास आएगा 088 और 01 कैरी 35 और 38 वन कैरी आपके पास आएगा 234 480 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास है 98.5 माइनस 97.4 ये आपके पास आएगा 1.1 खत्म करें आपके पास ऊपर जीरो आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो बेटा इसका जो आंसर आएगा उसको आप खुद चेक कर लेंगे। यहां पे मैं आज की जो पहली क्लास उसको बेटा कंप्लीट करता हूं। जो भी चीज आपको समझ नहीं आई होगी बेटा लेक्चर के दौरान भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी भी आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और तीसरा आप मुझे मैसेंजर के ऊपर भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं कि सर आज के लेक्चर में ये चीज मुझे समझ नहीं आई है। और तीसरा जो इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, जो वर्कशीट के नाम से एमसीक्यूज होंगे, वो आपको मेरी गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे, आप वहां से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट जब कल आऊंगा तो हम मजीद टॉपिक के साथ आगे चलेंगे। तो बेटा आज की क्लास को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इन होपफुली आपको चीज़ें आसान लगी होंगी और समझ भी आई होगी, और इस कोर्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में आगाज के अंदर ही बता दिया था कि ये कोर्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बेटा लाजमी रोजाना की बेस पे रेगुलरली आपने इस क्लास को अटेंड करना है, और रोजाना का काम आपने रोजाना करना है। सबसे एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही होती है कि वो रोजाना का काम अपना रोजाना करता है। उस्मान बेटा प्रैक्टिस एमसीक्यूज की ही बात कर रहा हूँ, जो इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं आपको आज शाम तक आप जो मेरी गूगल जो कैंपस ड्राइव है आप मेरे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शंस आएंगी, गूगल ड्राइव कैंपस ड्राइव की भी आएगी, प्रोफाइल की भी आएगी, और आपके पास सेटिंग की भी आएगी। आपने कैंपस ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आज शाम तक आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। बेटा यहाँ पे अपनी क्लास को मैं वाइंड अप करता हूँ, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम पे 10:30 बजे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।